बिलासपुर कटनी रेल मार्ग में स्थित सिंहपुर रेल स्टेशन के समीप सुबह हुए रेल हादसे के बाद कई यात्री ट्रेन प्रभावित हुई हैं, जिससे यात्रियों को बेहद परेशानी हुई है। इस दौरान कई यात्री ट्रेनों को विभिन्न रेल स्टेशनों में खड़ा किया गया, साथ ही कुछ ट्रेनों को अलग रेल मार्ग से रवाना करने के संकेत भी मिले। वहीं संपर्क क्रांति ट्रेन को बिरसिंहपुर पाली रेलवे स्टेशन में लंबे समय के लिए खड़ा किया गया, जिससे गंतव्य मार्ग की ओर जाने वाले यात्री पेयजल, खाने पीने आदि के लिए परेशान रहे। जिनकी अनोखी सेवा स्थानीय माँ विरासनी सेवा समिति पाली ने बड़े सेवा भाव से की और खाने पीने के सामान सहित छोटे बच्चों को भी आहार उपलब्ध कराया, जिससे प्रभावित होकर हमारे उमरिया ब्यूरो चीफ दीपू त्रिपाठी ने सभी स्थितियों का जायजा लेकर खास कवरेज की। यहाँ यात्रियों ने अपनी परेशानी भी बताई और माँ विरासनी सेवा समिति के सेवादारों की जमकर सराहना भी की। हम आपको बता दें कि इस भीषण रेल हादसे की वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हुई है, जो तरह तरह की चर्चा का केंद्र बन रही है। माता विरासनी सेवा समिति के द्वारा बच्चों और बड़ों को अच्छी उपलब्धियाँ प्राप्त की है, जैसे कि खाने के लिए खीरा और ककड़ी वकड़ी खिलाया है, और हमें कुछ लोगों से जानकारी मिली है कि यहाँ उन बच्चों के लिए खाने की भी व्यवस्था की जा रही है। क्या कहेंगे आप सेवा देख? मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोगों की वजह से इन बच्चों को अच्छी सुविधा मिल रही है। क्या कहेंगे? सेवा समिति वाले अच्छा काम कर रहे हैं, बच्चे के लिए दूध दिए, बिस्किट दिए और पानी दे रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं, क्या नाम है आपका, कहाँ जा रहे हैं? नमस्कार, मेरा नाम शिल्पी है, मैं निजामुद्दीन से आ रही हूँ, दिल्ली से रायपुर तक जाना है मुझे। लेकिन आप लोगों की बहुत अच्छी सुविधा है, किसी चीज की परेशानी नहीं है, सब कुछ खाने पीने का अरेंजमेंट अच्छा है आप लोगों का। सेवा समिति के कार्यों से क्या कहेंगे आप? यही कहेंगे बस, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी आप लोगों की सेवा है, किसी चीज़ की परेशानी नहीं है, दूध बिस्किट वगैरह सब कुछ दे रहे हैं आप लोग, पानी पूनी कोई भी प्रॉब्लम नहीं। दिल्ली से बिलासपुर की ओर जा रहे हैं और सामने अभी पता चला है कि दो मालगाड़ी आपस में टकरा गई है और डिरेल हो गई है, तो दिक्कत ये हो रही है कि रेलवे की तरफ से खाने पीने की मदद, जैसे पेंट्री के सामान ख़त्म हो रहे हैं और भेजने की कोई सुविधा है नहीं, तो हम यात्री जो है हम भटक जा रहे हैं, उन्होंने अपना साधन खुद। आप अपने साधन से जा रहे हैं? हाँ जी। किस प्रकार की दिक्कतें हो रही है? हाँ जी। कितनी देर से हैं आप पे, किस प्रकार की दिक्कत? ढाई घंटे से गाड़ी खड़ी हुई है यहाँ पर बिरसिंहपुर स्टेशन में, किसका स्टॉपेज यहाँ पर अभी नहीं, और यही है कि तकलीफ हो रही है, अब देखें आगे क्या होता है। ट्रेन में से कोई मदद खास मदद है? सर कहाँ से आ रहे थे आप? उससे जो है राहत मिला है यात्रियों को, और आप लोगों की सेवा को हम नमन करते हैं, और ऐसे ही सेवा जो है अगर यात्रियों को मिले तो ये जो कष्ट होता है यात्रा का वो जो है आसानी से हमारा सामना हो जाएगा। धन्यवाद। नाम है आपका? मेरा रवि कुमार नाम है, मैं दिल्ली बिलासपुर से आ रहा था, मेरे पास दो बच्चे हैं और मेरे वाइफ के साथ बैठे थे हम लोग बोगी में, तकलीफ हुई, अभी ट्रेन बहुत लेट हो गई, 5 घंटे से ज़्यादा हो गया यहाँ पे आके, और अभी अभी पता भी नहीं है कितने देर लगेगा ट्रेन को आगे जाने में, लेकिन मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। समिति ने बहुत अच्छा सेवा किया है, पूछ पूछ के एक एक आदमी को फल फ्रूट जो भी व्यवस्था, बिस्किट बोगी में हर मतलब बैठ के सामने मतलब पैसेंजर के पास आके पूछ पूछ के दिया है, मैं आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। मैं इस आदमी मैनू में देश सेवा किया और आपको समाज सेवा कर रहे हैं, बहुत बड़े लोग हैं आप लोग, धन्यवाद। बोलो माता की जय, देवी की जय। किन कारणों से खड़ी हुई है ये? अभी जो सिंगापुर में जो है मालगाड़ी का डिरेलमेंट हुआ ना, उसी वजह से इधर कंट्रोल किया। जी जी। अभी टाइम लगेगा, काफ़ी छुट्टी है। कितना समय लगेगा सर? नहीं, इसको स्टेशन मास्टर ऊपर से जो आदेश आएगा वही होगा। तो यहाँ यात्री परेशान नजर आ रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? परेशानी तो है, मगर आप लोग जो बिलासपुर सेवा समिति जो ऑर्गेनाइजेशन है, जी जी, सेवा समिति ने क्या कुछ सेवा की यहाँ सेवा समिति के द्वारा? पूरा पानी की व्यवस्था किया है, ये अनूपपुर जिले के सिंहपुर रेलवे
रेलवे स्टेशन में आज सुबह तड़के रेल हादसा होने के कारण ये ट्रेन मार्ग जो है अवरुद्ध कर दिया गया है। आज जो यहाँ यात्री ट्रेन खड़ी हो रही है, बिरसिंहपुर रेलवे स्टेशन है, यहाँ काफी यात्री परेशान हुए हैं यहाँ, लेकिन मातृराशनी सेवा समिति है जो बिरसिंहपुर पाली की, वो काफी सेवा में तत्पर रहती है। और आज यहाँ जब यात्रियों के परेशान होने की जो खबर है, ये जो सभा माम हुई, तो इसके बाद यहाँ मातृराशनी सेवा समिति के जो सदस्य है, यहाँ के पदाधिकारी अध्यक्ष, तमाम व्यवस्थाएं यहाँ की है। आइए हम बात करते हैं क्या कुछ सेवा उनके द्वारा की गई है। हमारे पास जो है संदीप जी खड़े हैं, क्या कुछ आप लोगों ने सेवा की? हमारी तरफ से हम महाराष्ट्र सेवा समिति की तरफ से बताना चाहेंगे, जो भी यात्री को किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो रही है, जैसे पानी से लेकर खाने पीने से लेकर बच्चों को से लेकर, तो हमारी सेवा समिति द्वारा पूरी तरह से उपलब्ध कराया जा रहा है। और सभी यात्रियों को हमारा निवेदन है कि किसी भी तरीके से परेशान ना हो, सभी सुविधाएं महाराष्ट्र सेवा समिति। ये महाविरासनी सेवा समिति लगातार यहाँ सेवा में तत्पर रहती है। ये पहला ऐसा नहीं है कि इन लोगों की सेवा करने का ये आप प्रमाण देख रहे हैं। इसके अलावा भी महाविरासनी सेवा समिति बिरसिंहपुर पाली में तरह तरह की सेवाएं देती रहती है और लगातार ऐसी ही सेवा इनके द्वारा आगे भविष्य में दिया जाता रहे। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए बिरसिंहपुर पाली से मैं दीपू त्रिपाठी।